हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीएन यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसे आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन क्लास 8 की मैथ की बुक से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और हमसे क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 8 के मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। हमसे बोला है कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें 243 है, दूसरा 256, तीसरा 72, चौथा 675 और पांचवा है 100। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइज करके इसके फैक्टर निकालने होंगे, उनके पेयर बनाने होंगे। कोई एक नंबर तीन बार मल्टीपल में आया होता है तो उसको कहते हैं ट्रिपलेट। जो ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेगा वो ठीक है, जो नहीं करेगा वही हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम 243 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होते हैं। तो इधर साइड में जो भी नंबर आएंगे ये प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। सबसे पहले डिवीजन हम 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आखिरी में आपको 3 दिख रहा है जो कि एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे इसके क्या प्राइम फैक्टर। सो 243, तो जो 243 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो 3 है वो 5 टाइम्स आया है। तो ये देखो, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रिपलेट। 3 बार 3 का मल्टीपल आया है तो मतलब ये ट्रिपलेट हुआ, और ये नहीं बन रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप 1 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, दूसरा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 2 बार 3 आया है, जबकि कितनी बार 3 आना चाहिए था? 3। तो इसका मतलब अगर 1 बार 3 हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये वाला जो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है यही हमारा आंसर होगा। सो वी मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट आ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 256 अब देखिए, इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा सॉरी यहाँ पे 4 में से 5 माइनस होगा, 1 रिमेन होगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 2 है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 into 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 2। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ट्रिपलेट बन रहा है वो एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई किया गया हो, और ये नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, तीसरा नहीं है। तो मतलब अगर हम तीसरा अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी
मतलब अगर हम तीसरा अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये जो आखिरी वाला दो है ये हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा सो ही मल्टीप्लाई बाय टू टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम तीसरा देखते हैं 72, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहां पर आप देखो जो फैक्टर होगा 72 का वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर इनका तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा है। कितनी बार आया? दो बार आया है, और कितनी बार आना चाहिए? तीन बार आना चाहिए। तो कितने की कमी है? एक की। यहां पर एक की कमी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो वी मल्टीप्लाई बाय थ्री टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं फोर्थ 675। अब यहां पर देखिए अंत में आपको पांच मिल रहा है, आखिरी में क्या आया है? पांच। तो अगर आखिरी में फाइव आया है तो या तो वो थ्री से डिवाइड होगा या तो वो फाइव से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं थ्री से, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। अब ये फाइव से चेक करेंगे, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव वन जा फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स सेवेंटी फाइव के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव। अब देखिए यहां पर इसका एक ट्रिपलेट तो बन रहा है लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। कितनी बार आया है? दो बार आया है, एक बार की कमी है। तो यहां पर एक बार और फाइव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा सो वी मल्टीप्लाई बाय फाइव टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आखिरी में जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो आया है 100। ठीक है, तो 100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब देखिए आखिरी में अगर 0 आया है तो वो 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 5 जा 10, 50 हो गया, 2 25 जा 50, सो 5 25 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहां पर क्या होगा कि जो फैक्टर आएंगे 100 के वो आएंगे 2 इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव। अब आप ध्यान से देखो, ना तो टू का ट्रिपलेट बन रहा है और ना ही फाइव का ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब ना तो टू तीन बार आया है और ना ही फाइव तीन बार आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बार टू से मल्टीप्लाई कराना होगा और एक बार फाइव से मल्टीप्लाई कराना होगा।
तब आप देखोगे कि एक बार टू का ट्रिपलेट बन जाएगा, मैं बना के दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए टू का ट्रिपलेट बन गया और यहां पर फाइव का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो मतलब हमने मल्टीप्लाई तो इन दोनों से कराया ना, टू इंटू फाइव से, तो जो नंबर आएगा वो आएगा टेन। हमें किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, टू फाइव या टेन से। सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय टेन टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि ऐसे प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ये देखना है कि किसका किसका जो है ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट का सिंपल मतलब होता है कि एक ही नंबर तीन बार मल्टीप्लाई में आया हो। तो जिसका जिसका ट्रिपलेट बन रहा होगा उसको छोड़ करके जो ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा हमें उसी के नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे यहाँ पर देखो दो जो है वो टू इंटू टू दो बार आया है तो उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो एक बार हमें टू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फाइव इंटू फाइव दो बार आया है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो फाइव भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कराने के बाद क्या आ जाएगा कि तीन बार टू आ जाएगा और तीन बार फाइव आ जाएगा। इस प्रकार से ट्रिपलेट बनेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमें देखना है कि हमने मल्टीप्लाई किससे कराया है। सिर्फ वही लेंगे जिससे हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।